दिल्लीवासियों के लिए थोड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल यमुना के जलस्तर में कमी आई है, 207.74 मीटर स्तर जा पहुंचा है यमुना का। हथिनी कुंड बैराज से निकलने वाले पानी की थमी रफ्तार, यमुना के भी जलस्तर में कमी की जताई जा रही है उम्मीद। मजनू का टीला के पास रिफ्यूजी कैंप में पानी भर गया है, लोग सड़कों पर रहने को मजबूर है मजनू का टीला इलाके में। आईटीओ बैराज का जाम गेट खोल दिया गया है, गेट खुलने से पानी के कम होने की उम्मीद है, जल्द ही खोले जा सकते हैं दूसरे गेट। दिल्ली के आईटीओ में भरा पानी, लोग पानी के बीच से आवाजाही के लिए मजबूर, पानी की निकासी के लिए लोगों ने लगाए मोटर्स। कश्मीरी गेट में लोगों के घरों में घुस गया है बाढ़ का पानी, सड़कों पर जल भराव, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली के मच्छ बाजार और चंगीराम अखाड़े में भर गया पानी, सड़कों पर आवाजाही ठप हुई, सूनी पड़ी है सड़कें। सिविल लाइंस में घरों के फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुंच चुका है, लोगों को निकालने का काम जारी है। दिल्ली के गढ़ी मेंढू गांव से लोगों को निकालने के लिए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम्स, दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का खतरा, निजामुद्दीन इलाके में भयावह होते जा रहे हालात, मेट्रो ट्रैक से थोड़े ही नीचे है पानी का बहाव। जैतपुर के विश्वकर्मा कॉलोनी में 5 फीट तक भरा बाढ़ का पानी, बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी एनडीआरएफ की टीम्स। जैतपुर में अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ की टीम्स हैं, अब तक 300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 150 जानवरों की भी बचाई गई है जान। यमुना बाजार से जीटी रोड तक पानी पानी है, लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। यमुना बाजार में बाढ़ से कई फीट तक पानी भरा, सड़कें तालाब में तब्दील हुई, चल रही है यहां पर नाव। बाढ़ के पानी में डूब गई है सड़कें, जनजीवन बेहाल हुआ, रेंग रेंग कर चल रही है गाड़ियां। दरियागंज में भी रायशी इलाकों में बाढ़ से आफत, स्कूल, आश्रम और मस्जिद में भी पानी घुसा। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा बाढ़ का पानी, जस का तस हुआ अभी भी जलस्तर। राजघाट में पानी की वजह से रोड ब्लॉक हो गई है, राजघाट में 10 फुट तक पानी भरा हुआ है बाढ़ का। दिल्ली में राजघाट गहरे पानी का तालाब बना हुआ है, बाढ़ के पानी में बेखौफ नहाते नजर आ रहे हैं यहाँ के स्थानीय। दिल्ली के शांतिवन में जलभराव से हालात बेहद खराब है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली के शांतिवन में बस अड्डे में भर गया पानी, लोगों की लगी लंबी कतारें, यहाँ पर पानी में करते दिखे मौज मस्ती भी यहाँ के लोग। दिल्ली के लाल किला के पास का इलाका वाटर पार्क में तब्दील हो गया, एक दूसरे पर लोगों ने की पानी की बौछार। दिल्ली के राम अखाड़ा में बाढ़ में फंसी डॉगी को रेस्क्यू किया जा सका, बाढ़ के पानी में डूब रहा था ये डॉगी, एनडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। फरीदाबाद के यमुना किनारे बसे लालपुर गांव में हालात पर कंट्रोल, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया, किसानों की फसलों को भारी नुकसान। दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविरों में इंतजाम हो रहे हैं, एमसीडी नगर निगम संचालित कर रहा 33 राहत शिविर, शिविरों में सभी तरह के इंतजाम मौजूद हैं। रिंग रोड से वजीराबाद गांव को जोड़ने वाले पुल में दरार आ गई है, पुल पर आवाजाही पर लगी रोक, हालात पर प्रशासन की नजर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 3 लड़के बाढ़ के पानी में डूब गए, डॉक्टर्स ने उनको आखिरकार मृत घोषित किया। दिल्ली के पानी में जहरीला खतरा, राजघाट में भरे पानी में दिखाई दिया सांप। दिल्ली में आज के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी, बाढ़ के बाद बरसात से मुसीबत में हो सकता इजाफा। देशभर के बाढ़ प्रभावितों राज्यों में एनडीआरएफ की कुल 58 टीमें तैनात हैं, दिल्ली में 16 टीम्स रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं, हिमाचल में 11 टीमें तैनात हैं। गाजियाबाद के लोनी में बाढ़ जैसे हालात है, पुस्ता टूटने से कई इलाकों में भर गया पानी, पुलिस चौकी में भी भर गया पानी। बाढ़ के पानी से डूबा नोएडा सेक्टर 135 का इलाका, ड्रोन शॉट्स में दिखा चारों तरफ पानी ही पानी। पंजाब के लोहिया में सतलुज दरिया का बांध टूट गया, 22 गांव में भर गया पानी, एनडीआरएफ चला रहा रेस्क्यू ऑपरेशंस। पंजाब के पाटड़ा में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से गांव में आई है बाढ़, लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद। चंडीगढ़ में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है सुखना लेक, झील का फ्लड गेट खोल दिया गया, कई रास्ते बंद कर दिए गए। हरियाणा में बाढ़ आने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, 128 गांव में आई बाढ़, 20 लोगों की गई है जान। हरियाणा के पलवल में पानी में समाई 3 मंजिला इमारत, घर में कोई नहीं था मौजूद, खतरे को देखते हुए पहले ही घर खाली करवा दिया गया था। फरीदाबाद में तेज बहाव में बह गई सड़क, 60 गांव का संपर्क टूटा, कई घरों को भी पहुंचाया नुकसान। पलवल के गांव गुरबाड़ी में 5 लोग तेज पानी के बहाव में बह गए, सभी लोगों ने टापू पर ली शरण, अभी तक नहीं हुआ कोई रेस्क्यू।
घग्गर नदी में उफान से राजस्थान के हनुमानगढ़ में मंडराया बाढ़ का खतरा। नदी के किनारे बसे गांवों को कराया जा रहा है खाली, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुंबई में बरसात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है तेज बरसात। मुंबई में बारिश के बाद जगह जगह हुआ जलभराव, सबवे में पानी भरा, रूट को डायवर्ट किया गया। अररिया में तेज बहाव का विकराल रूप नजर आया, डायवर्जन बीच पानी के बहाव में बह गया, गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हुई। बिहार में मूसलाधार बारिश का असर, विधानसभा के मेन गेट पर भरा पानी, सचिवालय में भी जल जमाव हुआ। बरसात के चलते गुवाहाटी में शिलोंग राष्ट्रीय मार्ग पर जल जमाव, पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। भारी बारिश के बाद जलमग्न हुआ उत्तराखंड का खटीमा भी, जिलाधिकारी ने किया इलाके का दौरा, बाढ़ आपदा को लेकर दिशा निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बरसात के बाद हालात बहुत खराब, सड़कों और गलियों में भर गया बरसात का पानी, लोगों को हो रही परेशानी। भारी बारिश के कारण हिदमाता इलाके में भी पानी भर गया है, ठहरे हुए पानी की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। रायबरेली में नजर आया बाढ़ का कहर, पुरोहितों के घाट पर जलमग्न नजारा दिख रहा है, कई गांव पर मंडरा रहा खतरा। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ दरकने से सड़क पर जाम लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूए के दौरे पर रवाना हुए, पीएम यूए के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे इस दौरे में। पीएम मोदी और यूए के राष्ट्रपति के बीच कई मुद्दों पर होगी चर्चा, दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल पर होगी बात। फ्रांस में बैंकवेट डिनर में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिनर के दौरान बोले पीएम मोदी, दोनों देश मिलकर वैश्विक सुरक्षा और शांति में अपना योगदान देंगे। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान हॉल और सफरान हेलीकॉप्टर इंजन के बीच हुआ समझौता, हैवीलिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के आधुनिकीकरण पर देंगे जोर। फ्रांस में भारत की यूपीआई के उपयोग को लेकर हुआ समझौता, भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए एफिल टावर पर रुपयों में कर सकेंगे आप भुगतान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी, ट्वीट कर लिखा भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे। फ्रांस से पीएम मोदी की पाक और चीन को सीधी चेतावनी, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और फ्रांस एक साथ, इंडो पैसिफिक में किसी भी अतिक्रमण की कोशिश के खिलाफ भारत फ्रांस एकजुट। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित, प्रोपल्शन मॉड्यूल रॉकेट से हुआ अलग, श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से किया लॉन्च। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख तय, 23 अगस्त को चांद पर करेगा लैंड चंद्रयान। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान पीएम जा सकते हैं श्रीहरिकोटा, 23-24 अगस्त को सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच सकते हैं पीएम। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा भारतीयों की उम्मीदों की उड़ान, भारत ने अंतरिक्ष में रच दिया इतिहास। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर हुई बात। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष मजूमदार का बयान, बोले आने वाले दिनों में गृहमंत्री करेंगे बंगाल का दौरा, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी। बंगाल पंचायत चुनाव पर बोले अमित शाह, हिंसा भी बीजेपी को शानदार प्रदर्शन से नहीं रोक सकी, जनता को पीएम पर भरोसा है। बिहार में नेता की मौत मामले में बीजेपी आज करेगी महाधरने का आयोजन, बीजेपी कार्यालय के बाहर जुटेंगे बहुत सारे नेता। आज बिहार जाएगी बीजेपी की 4 सदस्यों की टीम, गांधी मैदान से लेकर अस्पताल का करेगी दौरा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर प्रहार, कहा बेवजह का विवाद खड़ा कर रही है। गुवाहाटी में सब्जियों के दाम बढ़ने पर असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का बयान, कहा मुसलमानों के चलते महंगी हुई हैं सब्जियां। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के बयान पर AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन असमल का पलटवार, कहा राज्य में अगर किसी स्थिति बिगड़ती है तो सीएम जिम्मेदार। यूसीसी को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव से पहले सियासी कवायद, हम पर थोपा जा रहा है यूसीसी। ज्ञानवापी परिसर में एसआई से सर्वे करवाने की मांग पर सुनवाई पूरी, 21 जुलाई को फैसला सुना सकती है जिला कोर्ट। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील का बयान, कहा सर्वे से मुस्लिम पक्ष को कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान खत्म, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा। महाराष्ट्र बंटवारे में शिंदे और बीजेपी को गंवाने पड़े 6 मंत्रालय, डिप्टी सीएम अजित पवार को मिला वित्त और योजना विभाग। शरद पवार के घर पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार, पत्नी प्रतिभा का जाना हालचाल। अतीक अशरफ हत्याकांड में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट, शूटर सनी सिंह को हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया है। हिमाचल सरकार का जनता को झटका, डीजल पर बढ़ा दिया वैट, 3 रुपए महंगा हो गया डीजल। मध्य प्रदेश के रतलाम में नर्सेस के प्रदर्शन का 5वां दिन, पीपीई किट पहनकर शिवराज सरकार के खिलाफ नर्स कर रही है प्रदर्शन।
केदारनाथ धाम के हेलीपैड के पास युवक को सेल्फी लेना काफी भारी पड़ गया। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पीट कर भगा दिया। भारत ने तीसरे दिन जीता पहला टेस्ट। वेस्टइंडीज को एक पारी और 141 रन से हराई यशस्वी जायसवाल बने मैन ऑफ द मैच। भारत सीरीज में 1-0 से आगे। Z News.